हेलो, दिस इज़ मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल ए सी एडो हब। और आज हम चैप्टर तो नहीं पढ़ेंगे, बट मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स छोड़ दिए थे जो कि आपको बुक के फर्स्ट पेज, दैट इज़ मैं आपको दिखाती हूँ, दैट इज़ ये वाला जो है, मीन्स चैप्टर शुरू होते ही यहाँ पे एक पार्ट है बर्लिन वॉल के बारे में दे रखा है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं कल ही देख रही थी आप लोगों के लिए, जब 2 मार्क्स क्वेश्चंस वगैरह बना रही थी तो मैंने देखा था कि ये वाला क्वेश्चन जो है बर्लिन वॉल वाला, ये आया हुआ है। तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना देती हूँ एक कम्प्लीट। इसमें आपके बुक में बहुत शॉर्ट में दे रखा है डिटेल्स, तो मैं थोड़ा आपको इसकी पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री तो नहीं बता पाऊँगी, बट थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। और दूसरा जो मुझसे छूट गया था, मैं इसको समझाने के बाद आपको बताऊँगी, ठीक है। तो 2 मार्क्स में आता है, ज़्यादा आपको मतलब याद तो रखने की ज़रूरत में है नहीं, बट आप समझ लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो मैंने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाने की कोशिश की है बर्लिन की, बर्लिन नहीं, ये जर्मनी की है, जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। तो ये जर्मनी का आपको ये मैप दिख रहा है, ये जर्मनी का मैप है। और इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसको, ये बर्लिन है, ये बर्लिन है। आपको नहीं दिख रहा हो तो आई एम सॉरी, मैं बता दूँ ये बर्लिन है। और या फिर आप अपनी पिक्सल्स जाके मैं सेट कर दीजिए तो आपको शायद ये दिख जाए। तो ये बर्लिन है और इसकी रिलेशन है कोल्ड वॉर से। बर्लिन वॉल की जो ये घटना है वो कोल्ड वॉर से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम पे 2 टीम थी, यूएस एंड यूएसएसआर, 2 पावर थी, यूएस एंड यूएसएसआर। तो मैंने आपको ये भी बताया था मेरे प्रीवियस वीडियोस में, आपने जो देखा है कि यूएस एंड यूएसएसआर दोनों ने कुछ कुछ जगह कब्जा किया था, दोनों ने कुछ कुछ जगह अपने अंदर उन्होंने अलायंस में डाला था। तो जो यूएस है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ईस्ट वेस्ट यूरोप को लिया था, वेस्ट यूरोप को लिया था और बाकी अदर कंट्रीज, और जो यूएसएसआर है उन्होंने ईस्ट यूरोप को लिया था। तो जब ये सब हो रहा था, बंटवारा चल रहा था, तो जर्मनी का भी बंटवारा हुआ और इसको भी क्या हो गया, इसको भी ऐसे बांट दिया गया बीच में से, इसको भी बांट दिया गया जर्मनी को। तो जो वेस्ट साइड है वो किसके पास था, ये वाला जो साइड है ये किसके पास था, यूएस के पास, और ये वाला जो साइड था वो था यूएसएसआर के पास, ठीक है। आई थिंक बंटवारा ऐसे नहीं था, ऐसे था, बट ड्राइंग ऐसी है मैं नहीं बता सकती आपको प्रॉपरली। तो ये वाला जो साइड था ये था यूएस का, और ये वाला जो साइड था ये था यूएसएसआर का। अब बर्लिन जो है, बर्लिन में वॉल बना था, ठीक है, इसमें तो वॉल बना दिया गया था, इसमें क्या हुआ था, एक वॉल बना दिया गया था, ठीक है, दोनों के बीच में। बट बर्लिन जो है, जो कि ये जर्मनी का कैपिटल है, एज एन कैपिटल इस बर्लिन को भी बांटा गया इन द 2 हिस्सों में वॉल बना दिया गया, ठीक है। बर्लिन को भी बांटा गया और जर्मनी को भी बांटा गया 2 हिस्सों में, ठीक है। अब ये बर्लिन वॉल की जो बिल्ट है वो 1961 में हुई थी, अगेन सॉरी अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो, ये 1961 लिखा है मैंने, मैं एक बार फिर से बड़ा सा लिख देती हूँ, ठीक है। सो ये जो है, जो जर्मन, जो बर्लिन वॉल है वो 1961 में बिल्ड हुआ था, और ये जो है 150 किलोमीटर लॉन्ग था। अब आपके बुक में ये दे रखा है, बस इतना ही दे रखा है आपके बुक में, और उसी में से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कि ये जो बंटवारा था ये क्यों हुआ था। ये बंटवारा कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, कम्युनिज्म और जो डेमोक्रेसी, 2 आइडियोलॉजीज की बंटवारा थी, ना ही केवल बर्लिन की बंटवारा, ये ना ही बर्लिन की बंटवारा थी बल्कि 2 आइडियोलॉजीज की बंटवारा थी, दैट इज कम्युनिज्म एंड
जो उनकी थी डेमोक्रेसी वगैरह, दो आइडियोलॉजीज, दैट इज यूएस की आइडियोलॉजी और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये क्या करता था, यूएस की आइडियोलॉजी फॉलो करता था, और ये वाला जो पार्ट है ये यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, ठीक है। एंड बर्लिन में भी सेम केस हुआ, बर्लिन को भी दो तरफ से बांट दिया गया। अब क्या हुआ, ये बर्लिन वॉल इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों बन गई, बर्लिन वॉल इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों बन गई थी, तो मैंने जैसे आपको बताया ये जो डिवीजन था, ये जो वॉल यूरोप जर्मनी में बना था, ये दो आइडियोलॉजीज की डिवीजन थी। सेम उसी तरह बर्लिन में भी जो वॉल बनी थी वो भी इन आइडियोलॉजीज की सेपरेशन थी। अब ये जो वॉल था इसकी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगा दी गई इस वॉल के सामने, जैसे मिलिट्री वगैरह, प्रॉपर मिलिट्री वगैरह ये सब लगा दी गई थी, और साथ ही में ये जो वॉल था 150 किलोमीटर मीन्स इट्स अ वेरी ह्यूज वॉल, तो कोई इसे क्रॉस नहीं कर सकता था। उनमें ये एक रूल था कि जो ईस्ट जर्मनी है वो वेस्ट जर्मनी में जा सकते हैं, ईस्ट में जो रहते हैं वो वेस्ट में जा सकते हैं, बट जो वेस्ट में रहते थे वो ईस्ट में नहीं आ सकते। और सेकेंड चैप्टर में भी और सेकेंड चैप्टर में मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि वेस्ट जो थी मैं जो यूएस के पार्ट में थी वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्नाइज थी, मॉडर्न थी, उनमें कई अपॉर्चुनिटीज़ थे, पब्लिक ओपिनियन स्ट्रॉन्ग ये सब थी, बट जो ईस्ट साइड थी वो इतनी ज़्यादा लोगों को इतना अपॉर्चुनिटी नहीं देती थी और सप्रेस करती थी, क्योंकि वो यूएसएसआर के अंडर में थी इसलिए। तो लोग वेस्ट पार्ट जो है वो ईस्टर्न पीपल को लेते थे, बट जो ईस्टर्न पार्ट है वो वेस्ट की माइग्रेशन को एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो अब क्या होने लग गया, लोग ईस्ट बर्लिन से वेस्ट की तरफ जाने लग गए थे, ठीक है, जहाँ पे यूएसएस का कब्जा था, तो वहाँ पे वो जाने लग गए थे, और वहाँ पे जाके उनको इतना पसंद आ गया कि वो वहीं पे रह गए, और मतलब 30% पॉपुलेशन इनकी घट गई थी जब इनका ये माइग्रेशन वगैरह के चक्कर में, जो ईस्ट साइड है उनकी 30% पॉपुलेशन घट गई थी। ये सब अंदाज़ा लगा सकते हो कितने लोग माइग्रेट हो रहे थे और वो वापस आए ही नहीं। तो वापस नहीं है इसलिए क्या हुआ, इनकी जो पॉपुलेशन है बहुत कम होने लगी, जो एक चिंता का विषय दोनों में बनता जा रहा था, ईस्ट में और वेस्ट में क्या हो रहा था, सारे लोग वहीं पे शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे वो वहीं पे जा रहे थे, वो ईस्ट में रह नहीं रहे थे, ठीक है। और ईस्ट वाले क्या थे कि वो वेस्ट को अपना एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो उनकी जो पॉपुलेशन थी वो कम होती जा रही थी। अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा, जो ईस्ट साइड का गवर्नमेंट है उन्होंने क्या सोचा कि अब अगर कोई स्ट्रगल में, क्योंकि लोग उस टाइम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बर्लिन में भी वॉल उठ गया था, जर्मनी में भी वॉल उठ गया था, तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो लोग काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करने लग गए थे इन सब के खिलाफ, इस वॉल के खिलाफ बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने लग गए थे, और जो गवर्नमेंट थी इन सबसे परेशान हो चुकी थी, और जो ईस्ट पार्ट थी, ईस्ट बर्लिन की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या सोचा कि अब अगर कोई मूवमेंट हुआ, पीपल्स की मूवमेंट, लोग अगर अभी हम पे मूवमेंट चलाए या फिर कुछ किया, तो बचाने के लिए हम नहीं जाएंगे, वो नहीं आएंगे अब बचाने उसे, अब लोग मूवमेंट कर रहे, करने दो। तो ऐसे ही जब मूवमेंट छिड़ा ईस्ट साइड में, जब मूवमेंट छिड़ा, तब गवर्नमेंट गई ही नहीं उनको रोकने के लिए, और इतनी सारी पॉपुलेशन की मूवमेंट, और वेस्ट के लिए पॉसिबल नहीं था कि ईस्ट के गवर्नमेंट के बिना, के हेल्प के बिना वो उस मूवमेंट को रोक पाए, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया था, और ईस्ट ने तो छोड़ ही दिया था कि नहीं भाई हम तो आएंगे ही नहीं, तो इसलिए वो गए नहीं और वो संभाल नहीं पा रहे थे। तो इस चक्कर में क्या हुआ, एक मीटिंग बिठाई गई, और ये जो मीटिंग थी लाइव हो रही थी, लाइव कॉन्फ्रेंस चल रही थी, ये मीटिंग चल लाइव एक डिस्कशन चल रही थी, और उसमें ये डिस्कस किया गया कि ये जो बर्लिन की वॉल है वो तोड़ी जाएगी। और फाइनली ये 1989 में 9th November 1989, जो डेट आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है,
9 नवंबर 1989 में बर्लिन की वॉल आखिरकार गिर गई, और गिरा कैसे, वहाँ के लोगों ने ही इन्हें तोड़ा। तो उन्हीं के लोगों ने इस वॉल को ख़त्म किया, और गवर्नमेंट जो थी उन्होंने परमिशन भी दी थी, क्योंकि वेस्ट साइड उसको मतलब संभाल नहीं पा रही थी, और ईस्ट ने तो छोड़ ही दिया था कि नहीं हम तो जाएंगे नहीं। तो इन दो में लाइव सेशन चल रहा था, लाइव कॉन्फ्रेंस चल रही थी, लाइव दिखाया जा रहा था लोगों जो भी डिसीजन था गवर्नमेंट को लाइव दिखाया जा रहा था, और उसमें कहा गया था कि ये बर्लिन वॉल तोड़ा जाएगा, और आखिरकार ये बर्लिन वॉल टूट गई। तो यही थी एक स्टोरी बर्लिन वॉल के बारे में। मैंने इतना डिटेल में आपको नहीं बताया बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बट आपको जान लेना इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने इसको एक ओवरव्यू दिया, इसकी इतनी डिटेलिंग में मैं नहीं गई, तो मैं एक बार इसका रिव्यू आपको फिर से बता देती हूँ। बर्लिन जर्मनी का बंटवारा हुआ था, बट साथ साथ बर्लिन का भी बंटवारा हुआ था, ठीक है। और बर्लिन के बंटवारे को हम एक कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज के बीच में, या फिर यूएसएसआर की आइडियोलॉजीज की डिवीजन भी इस बर्लिन वॉल को कह सकते हैं, जो कि 1961 में बिल्ट हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ था, लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और तो क्या हो रहा था कि पीपल ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही थी, वेस्ट बर्लिन, क्योंकि वेस्ट साइड में क्या था, ज़्यादा डेवलपमेंट थी, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज थी, और जिस वजह से ईस्ट की साइड की 30% पॉपुलेशन कम हो गई, या फिर पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन होती जा रही थी। और फाइनली इसके गवर्नमेंट जो थी उन्होंने डिसाइड किया कि अगर आप कोई मूवमेंट हुआ तो हम नहीं जाएंगे, और जब मूवमेंट हुआ तब वो गई नहीं गवर्नमेंट, और वेस्ट उसे संभाल नहीं पा रही थी, तो जिसकी वजह से बाद में ये डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से लाइव कि अभी ये बर्लिन वॉल तोड़ा जाएगा। और फाइनली 9 नवंबर 1989 को बर्लिन वॉल को तोड़ा गया, लोगों ने इसको तोड़ा, और अभी कोई भी उसका एक अंश भी वो छोड़ना नहीं चाह रहे, तो उन्होंने उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। वो जो वॉल थी बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी, एक बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी एरिया बन गई थी, जैसे बॉर्डर एरिया में सिक्योरिटी होती है वैसे सिक्योरिटी टाइप बन गई थी। तो उसके बाद ये सब टूटने के बाद गवर्नमेंट ने ये भी परमिशन दे दी कि वेस्ट के लोग ईस्ट में आ सकते हैं, ईस्ट के लोग वेस्ट में जा सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा, क्योंकि वीज़ा की बात बोलना भूल गए थे, तो और वो लाइव चल रही थी, तो बिना वीज़ा के वो इधर से उधर माइग्रेट हो सकते, इसकी परमिशन लोगों को मिल गए। फाइनली द एंड, बर्लिन वॉल अभी ख़त्म हो गया। अब मैं दूसरी जो चीज़ आपको बताना भूल गई थी वो है कि मिखाइल गॉर्बाचोव की दो पॉलिसीज थी, दो टर्म्स है जो आपको याद रखने हैं, दैट इज मिखाइल गॉर्बाचोव की मिखाइल गॉर्बाचोव की दो पॉलिसीज थी, दैट इज पेरेस्ट्रॉयका एंड ग्लासनोस्ट, जो मैंने आपको बताया था कि उसने बोला था कि ओपननेस रखना और कैचअप विद द वेस्ट एंड इकोनॉमी को वो करना, ओपन करना, और गवर्नमेंट की कोई जो पॉलिसी वगैरह वो चेंज करना चाहता था। तो रिफॉर्म्स जो उसने बताए थे उसको आप दो अगर वर्ड यूज़ करते हो एग्ज़ाम में तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने के चांसेस है। तो पेरेस्ट्रॉयका का क्या मीनिंग होता है, पेरेस्ट्रॉयका का मतलब होता है ओपननेस, पेरेस्ट्रॉयका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चर, और इसका मींस ओपननेस, ठीक है। तो ग्लासनोस्ट का मींस है ओपननेस, मींस ओपननेस जो भी उनके सिस्टम थे उनमें ओपननेस लाना, ठीक है। और जो पेरेस्ट्रॉयका है उसका मतलब है रीस्ट्रक्चर करना, रीस्ट्रक्चर मींस जो पहले पुरानी जो सिस्टम थी उसको फिर ट्रांसफॉर्म करना, ये रिफॉर्म्स करना उसमें, और अलग से एक रीस्ट्रक्चर करना मीन्स दोबारा से एक स्ट्रक्चर बनाना जो कि ओपन हो, जो कि पीपल की हित के लिए हो या फिर पीपल्स के लिए। तो दो टर्म्स है ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रॉयका जो मैं आपको प्रीवियस पार्ट्स में बोलना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने इस पार्ट में आपको ये वाला भी इंक्लूड करा दिया। तो इस पार्ट में, और आप
टेंशन मत लो, ये मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पे है। पेज नंबर 22 पे देखना, ये मिखाइल गॉर्बाचेव की जो स्टैम्प है इसमें पूरा लिखा हुआ है। और ये वाला जो पार्ट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ये वर्ड टर्म्स अगर यूज़ करते हो तो आपकी जो आंसर्स है बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी, क्वालिटी जो है इन्हांस हो जाएगी। सो दैट इज़ अ बर्लिन वॉल, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। सो दैट इज़ फॉर द पार्ट, और इसी के साथ हमारा सेकेंड चैप्टर ख़त्म होता है। जितने भी इम्पोर्टेंस थे मैंने आपको बता दिया, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कर लीजिएगा इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ताकि आपको और ज़्यादा हेल्प मिले। सो दैट इज़ फॉर द टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।